एंटर करो सब मिलेगा जून टीवी डॉट इन आजमा अपनी किस्मत की बाजी इमरान खान ने तो अभी अपना लक आजमाना शुरू भी नहीं किया था कि किसी को ये हो गया नापसंद। कटरीना को लकी चार्म बताने वाले इमरान की ही को-स्टार उससे नहीं रखती इत्तेफाक। फिल्म ब्रेक के बाद में इमरान के साथ काम करने वाली दीपिका की राय तो कुछ और ही है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इफ अ फिल्म वर्क्स इट्स बिकॉज़ द फिल्म वर्क्स। दीपिका का ये जवाब था इमरान के उस कमेंट पर जिसमें उन्होंने कटरीना को मान लिया लकी चार्म, जबकि फिल्म तो वो दीपिका के साथ भी कर रहे हैं। आई बीन वांटिंग टू वर्क विद कटरीना, मुझे हमेशा उनका काम बहुत अच्छा लगा एंड आई एम जैसे कि हर कोई जानता है वो एक लकी चार्म है, लकी चार्म है। बस जब ये बात दीपिका से पूछी गई तो उन्होंने कटरीना को लकी चार्म बताने वाले इमरान की सोच पर जताया इनडायरेक्टली एतराज। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इफ अ फिल्म वर्क्स इट्स बिकॉज़ द फिल्म वर्क्स। उन्होंने ये भी माना कि कटरीना एक ह्यूज स्टार तो है मगर हिट के लिए लक नहीं हार्ड वर्क चाहिए होता है। यू हैव अ लॉट ऑफ फिल्म्स वेयर द एक्टर्स आर huge actors but the film hasn't worked because if the script is not right or if the people have audiences haven't connected with the film then nothing in the film works whereas if the film works everything works. So ye hai deepika ka wo reaction jo imran katrina ki luck connection wali us khabar par aaya jo zoom ne aapko sabse pehle dikhai thi. Ab deepika bhale hi katrina naam ke imran ke luck se wo ittefaq na rakhti ho magar wo unke sath apni aane wali film break ke baad ki tareef to kar hi rahi hain. That's my first film with him and I'm really looking forward to it because I think it's a really nice It's in a nice space. It's a romantic comedy, and I think everyone will relate to it. Deepika ne humse ye sari baatein exclusively share ki Delhi mein ek shoe brand ke launch par. दीपिका की बढ़ती ऊंचाइयां बॉलीवुड में भी मशहूर हो रही हैं और अगर ऐसे में उनके को-स्टार्स किसी दूसरे को लकी चार्म बता भी देते हैं तो दीपिका पर शायद ही कोई फर्क पड़ेगा। आखिर वो अपना लक सही तरह से आजमाना जानती हैं। फॉर सौम्या चंदेल, जूम दिल्ली।